डॉक्टर के पास जाने से मुझे तसल्ली हो गई है कि मैं माँ बन सकती हूँ। नेहा, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होती। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। वो बस वैसे ही, आप फ्राइडे को सुबह सुबह ही रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं फ्राइडे को सुबह सुबह ही रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लूंगा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खैरियत? आज इतनी जल्दी आ गए हो घर तुम? जी, जल्दी ऑफ ले लिया था, डॉक्टर के पास जाना था। क्यों, तुम ठीक हो? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नेहा को दिखाना था। इसे क्या हुआ है? गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो कोई खुशखबरी है? नहीं 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 खुशखबरी कोई नहीं। वो टेस्ट दिए, फ्राइडे को रिपोर्ट आएगी। थी अचानक बैठे बैठे ये बच्चे का ख्याल कहाँ से आ गया तुम दोनों को? अमीन, नेहा चाहती है कि अब बेबी हो जाना चाहिए। नेहा को किस बात की जलती है? मैं खाना लगवाती हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा और अम्मी का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। जी, मामा पूछ रही थी कि आपने अभी तक चेक क्यों नहीं डिपॉजिट कराया। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैंने चेक फाड़ दिया? नहीं, मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैंने चेक एक्सेप्ट नहीं किया? मैं ऐसा कहती तो उन्हें बुरा लगता। हाँ तो जो मुझे बुरा लगा उसका क्या? अली, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने जिस इंसान से मोहब्बत। शादी के बाद बहुत चेंज हो गया है। फजूल बातें मत किया करो मुझसे। मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्यों करते हैं आप इस तरह मेरे साथ? क्यों देते हैं मुझे अजियत? तो अब तो मुझे ब्लैकमेल करोगी, इल्जाम दोगी। ये फिल्मी डायलॉग जो है ना, तुम अपने पास रखो, समझी? सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अच्छे तरीके से बात करें। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त ही नहीं है, समझी तुम? और अगर तुम्हें यह लगता है ना कि मैं दूसरे मर्दों की तरह अपनी बीवी के पल्लू से बंध के बैठ जाऊंगा ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी बातें सुनी उसने? और आज चेकअप करवाने भी चली गई है मैडम। कितनी तेज है, मैंने कहा था ना बहुत तेज है भाभी। कितनी गलत बात है ना, हमारी कान लगा के बातें सुनना कितनी गलत बात है। जितना गुस्सा चढ़ रहा था लेकिन आसिम के सामने मैंने बड़ा कंट्रोल किया है। अब आप क्या करेंगे मॉम? कुछ नहीं, अब देखो चेकअप का रिजल्ट आएगा फिर फैसला करूंगी क्या करना है। अच्छा सुनो, मैं आज सुंबल को मिलने गई थी। कैसी है?
हाँ ठीक है वो, लेकिन तुम्हारे लिए बेटा मैं उससे भी ज्यादा बेहतर घर ढूंढ के दूंगी इंशाल्लाह, तुम देखना। ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तो शुरुआत है सुंबल बेगम, तुम अभी से हिम्मत हार गई। मेरी बहन ने तुम्हारी मां की वजह से कितनी अजियतें झेली, तुम्हारी जान पर बनने लगी तो जान जाने लगी। हाँ इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। बहुत मासूम, बहुत सादा थी निशा बेबी, बहुत दुख सहे उन्होंने, बहुत मार सही है उन्होंने, बहुत परेशान करते थे साथ बाबा उसे, हर वक्त लड़ाई झगड़ा मार पीट, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी मैं, बेबस थी। परेशानी तो उनके ऊपर ऐसे थी जैसे उनको पसंद ही कर ली है परेशानी ने। सारे लड़के हैं जो इस काबिल ही नहीं होते कि उनसे दोस्ती की जाए, लेकिन अपने बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं बुरा लड़का नहीं। I know, आप बुरे लड़के नहीं हैं। परफेक्ट। तो फिर मैं समझूं कि हम दोस्त? ये मेरा कार्ड है, अगर चाहे तो इस नंबर पर मैसेज कर दो। एनीवेज अपने बारे में क्या बताऊं, मैं सादा सा बंदा हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझसे अच्छे तरीके से बात करें। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त ही नहीं है, समझी तुम? और अगर तुम्हें यह लगता है ना कि मैं दूसरे मर्दों की तरह अपनी बीवी के पल्लू से बंध के बैठ जाऊंगा ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे तो नहीं ख्याली, मेरी आंखों में खूबसूरत ख्वाब सजाकर उनकी ऐसी ताबीर तो नहीं कर सकते आप।